हेलो दोस्तों, आप सभी को राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आप इस दिवाली कोई न्यू बाइक लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा लें, तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे बाइक है जिसको आप ले सकते हैं, बट इसमें से मैंने सिर्फ बेस्ट 5 बाइक को ही चूज़ किया है जो आपको अंडर 1 लाख तक पड़ेगा, मतलब 1 लाख एक्सोरूम होने वाला है। मैं आपको पॉइंट वाइज पांचों बाइक के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उनके पावर और परफॉर्मेंस को भी बताता चलूंगा। फर्स्ट नंबर पे जो बाइक है उसका नाम है बजाज पल्सर 150। बजाज पल्सर 150 का एक्स शोरूम प्राइस 99,584 रुपए है। ये 150 सीसी की सेगमेंट में मोस्ट पॉपुलर मोटरसाइकिल है। ये नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है। इसके पावर फिगर की बात करें तो आपको इसमें 149.5 सीसी का एयर कूल्ड BS6 कंप्लेंट इंजन देखने को मिल जाता है, जो 14 PS का पावर और 13.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देती है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है। ये बाइक उनके लिए बेस्ट हो सकता है जिनको भी एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल चाहिए डेली यूज के लिए, और वो भी कम पैसे खर्च करके। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अंडर 1 लाख के अंदर। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं सेकेंड बाइक की। तो सेकेंड नंबर पर जो बाइक है उस बाइक का नाम है होंडा यूनिकॉर्न BS6। इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस 95,152 रुपये पड़ता है। इस बाइक में आपको 162.7 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, और पावर प्रोड्यूसिंग की बात करें तो आपको इसमें 12.9 PS का पावर और 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और अगर इसके पावर को देखें तो ये उतना पावरफुल नहीं है, बट इसका BS6 में बिल्ड क्वालिटी, काउंटर बैलेंस, रिफाइनमेंट बहुत ही अच्छा है। ये बाइक उनके लिए बेस्ट होगा जिनको लुक से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बाइक थोड़ा ओल्ड एज लुक वाला टाइप का लगता है। जिनको लाइट वेट, कंफर्टेबल सीट पोजीशन, स्मूथनेस, इंजन रिफाइनमेंट चाहिए, वो इस बाइक की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इन सब मामलों के हिसाब से होंडा यूनिकॉर्न बेस्ट साबित होता है। थर्ड नंबर पर जो बाइक है उस बाइक का नाम है होंडा SP125। इसका एक्स शोरूम प्राइस 79,210 रुपीज़ है। होंडा SP125 जापानीज ब्रांड की फर्स्ट BS6 कंप्लेंट बाइक है। इसमें आपको काफ़ी सारे यूजफुल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे OLED हेडलैम्प, टेल लैम्प, साइलेंट स्टार्टर एंड फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विथ रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर। ये सारे फीचर आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। होंडा ये भी क्लेम करती है कि इनका न्यू 125 सीसी बाइक 60% बेटर माइलेज देती है BS6 कंप्लेंट 125 सीसी की तुलना में। अगर होंडा SP125 के पावर की बात करें तो आपको इस बाइक में 10.8 PS का पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। बेटर माइलेज ऑन द हाईवे के लिए आपको इस बाइक में 5 स्पीड गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाता है। होंडा SP125 उनके लिए बेस्ट है जिनको स्टाइल, लुक, फीचर और एक अच्छा खासा माइलेज चाहिए, वो इस बाइक को ले सकते हैं, वो भी कम दाम में। फोर्थ नंबर पे जो बाइक है उस बाइक का नाम है बजाज पल्सर 125 स्प्लिट सीट। इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस 80,218 रुपए है। अगर आपको बजाज पल्सर 150 थोड़ा कॉस्टली लग रहा है तो आप इसके छोटे भाई बजाज पल्सर 125 को ले सकते हैं, जिसमें आपको सेम लुक और मैक्सिमम हद तक सेम पावर भी मिल जाता है, और ये बजाज पल्सर 150 की तुलना में थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। पल्सर 125 में आपको स्प्लिट सीट, इंजन काउल और प्योर स्पोर्टी लुक मिल जाता है। 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 11.8 PS का पावर और 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है विथ 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। इसका प्राइस कम रहा है इसलिए आपको इसमें कार्बोरेटर मिलता है। बजाज पल्सर 125 में आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। ये बाइक उनके लिए बेस्ट साबित हो सकता है जिनको कम प्राइस में एक स्पोर्ट्सी लुक वाला और अच्छा माइलेज वाला बाइक चाहिए, तो आप बजाज पल्सर 125 को ले सकते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट बाइक है हीरो स्प्लेंडर प्लस। इसका एक्स शोरूम प्राइस 64,470 रुपये पड़ता है। ये बाइक इस लिस्ट में सबसे बेस्ट अफोर्डेबल बाइक है, और इंजन के हिसाब से भी सबसे कम सीसी की बाइक है, जिसमें आपको 97.2 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 8 PS का पावर और 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। इस बाइक को फील इट, सेट इट, फॉरगेट इट के नाम से भी बुलाया जाता है, मतलब पेट्रोल भराओ, बंद करो और भूल जाओ। और वैसे भी हीरो एक मैसिव ब्रांड है। इस बाइक के पार्ट्स इजीली कहीं भी किसी भी जगह पे मिल जाते हैं, और इसका मेंटेनेंस और इजी और सस्ता भी होता है। अगर आपको कंफर्टेबली ज़्यादा सामान कैरी करना है या आपको थोड़ा ज़्यादा दूर जाना है, वो भी कम बजट में, जिसमें आपको ज़्यादा पेट्रोल फिल ना करना पड़े, तो ये बाइक बेस्ट है। इसमें आपको कस्टम ग्राफिक्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थे मेरे हिसाब से टॉप एंड बेस्ट 5 बाइक अंडर 1 लाख। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए इसमें से बेस्ट बाइक आपको कौन सी लगी और आप कौन सी बाइक ले रहे हैं। तो ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियोज आपको देखना पसंद है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।